हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैंने अपने छोटे बाल बहुत छोटे करवा लिए हैं, ऑलरेडी छोटे ही थे, बट यहाँ से मैंने यहाँ करा लिया है। थोड़ा चेंज चाहिए था एंड बट मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता दो, बट मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। सो गाइस, कल मैं गई थी मूवी देखने, तो ऐसे ही रैंडमली प्लान बन गया शॉपिंग का। मूवी ख़त्म हुई तो थोड़ा टाइम बच गया था, तो मैंने कहा आज मॉल में नहीं घूमेंगे, आज थोड़ा शॉपिंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। 1, 2 and 3। सो आई हैव 3 बैग्स, बट बैग देख के मत सोचना कि मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है। जितने बैग हैं कपड़े उतने ही कम हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑफलाइन स्टोर से शॉपिंग किया है। वैसे मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। एंड सबसे छोटा वाला ये मिनीसो का है। मिनीसो के बारे में काफ़ी सुना था, तो मिनीसो भी मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस। मैं फ़र्स्ट टाइम स्टोर पे गई थी, तो ट्रेंड्स पे तो मैंने ऑलरेडी शॉपिंग किया है पहले भी, बट मिनीसो एंड H&M वो भी फर्स्ट टाइम स्टोर पे विज़िट किया है, एक्सप्लोर किया है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगी और क्या क्या लिया है वो भी बताऊँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग मैं करूँगी मिनीसो के पैकेट से। तो मिनीसो मैं फर्स्ट टाइम थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये शीट मास्क, ये मैंने लिया है। क्यों? तो मैंने ये 3 शीट मास्क लिया है। एक है विटामिन सी का है, एक है क्यूकम्बर और तीसरा है एलोवेरा। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, तो इस वजह से ये मुझे दिख गया था, मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, काफ़ी काम की चीज़ है। इसकी MRP है 60 रुपीज़ का, काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में। नायका में आई थिंक 120 तक मिलता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे वहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल लगा, तो ये मैंने ले लिया। एंड सेकेंड थिंग मैंने लिया ये हेयर बैंड, बहुत ही क्यूट लगा तो इस वजह से मैंने ले लिया। काफ़ी क्यूट क्यूट थे, मुझे क्यूट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे टेडी बियर्स भी थे छोटे वाले, तो मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, बट काफ़ी महंगे थे वो वाले, तो वो नहीं लिया। मैंने अभी तक खोल के चेक भी नहीं किया, मैंने कहा मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगी। हेयर बैंड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे ये सॉफ्ट वाली चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। प्राइस की बता दूँ तो ये मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ का, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी है और काफ़ी क्यूट भी है, तो मैंने लिया। नेक्स्ट है ये क्यूट सा कोम्ब, ये हेयर कोम्ब है एंड काफ़ी क्यूट कलर में है। सो ये काफ़ी क्यूट सा हेयर कोम्ब है, अच्छे से अपने बालों को मैं कोम करूँगी, इससे ज़्यादा बाल भी नहीं टूटते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी है, शाइन बहुत अच्छा कर रहा है। इसका जो पीछे का ये कवर है बहुत ही क्यूट लग रहा है, एंड इनफैक्ट ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो आप आराम से अपने बैग में या पर्स में आप कैरी कर सकते हो कहीं पर भी। तो प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है 290 रुपीज़ का, काफ़ी सही है, यूज़फुल है क्योंकि ये सारी काम की चीज़ होती है, तो सही है। नेक्स्ट है ये क्यूट सा, सबसे फेवरेट है जो मिनीसो का मैंने उठाया है, ये क्यूट सा पर्स है। इसमें अपने कॉइन्स या मैं अपने कैश वगैरह कार्ड भी आ जाएंगे वो रखने के लिए मैंने लिया है। एंड इसमें ये की चेन भी दिया है, आराम से आप अपनी की डाल सकते हो अंदर, तो दो काम हो जाने हैं। और इसका कलर सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, बहुत ही प्रिटी और समरी वाला कलर है येलो। पर्स में भी उनके पास काफ़ी वेराइटीज़ थी, ये अंदर दिया स्पेस, आराम से कॉइन वगैरह कुछ भी मैं रख सकती हूँ। एंड इसका प्राइस है 230 रुपीज़ का। तो लास्ट ये मैंने है डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे, मैंने लिया था, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्रूटी टाइप की इसकी स्मेल है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे अच्छी बात ये 90 रुपीज़ का है, काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत सारे वैरायटीज़ थे बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे पास इस टाइप का कुछ था भी नहीं बॉडी स्प्रे वगैरह, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो मिनीसो में मैंने सिर्फ इतनी शॉपिंग की, और मुझे एक सिपर पसंद आया था, वाटर सिपर, बहुत ही क्यूट क्यूट प्रोडक्ट थे। मैं नेक्स्ट बाई जाऊँगी तो वाटर सिपर मैं लूँगी, मुझे अच्छा लगा था। अब मैं दिखाऊंगी ट्रेंड्स का जो मैंने लिया है कपड़े, ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं, बैग उन्होंने इतने बड़े दे दिए, कपड़े मैंने सिर्फ 2-4 गिन के लिए हैं। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने ये 2 स्टोल ली हैं, ये काम की चीज़ थी, एक मम्मी के लिए लिया है, एक अपने लिए लिया है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं बाहर जाना रहता है तो स्टोल की ज़रूरत पड़ती है,
तो ये पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो ये ले लिया है मैंने। व्हाइट कलर के प्रिंट में काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट लगा मुझे। तो समर में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को मैं अच्छे से लाइक बांध सकती हूँ। एंड इनफैक्ट ये कॉटन मटेरियल है तो ये मुझे ज़्यादा सही लगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरा ये मैंने मम्मी के लिए लिया था, ये सोबर टाइप का है, डिसेंट कलर है, ये क्रीम टाइप का कलर है, इसमें थ्रेड वर्क दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा ये भी लगा, तो ये मैंने मम्मी के लिए ले लिया था, तो ये मैंने लिया है। नेक्स्ट है मैंने ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड टी शर्ट लिया है, बहुत ही क्यूट लगा था एंड कैजुअल में काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है। मटेरियल इसका फैब्रिक मुझे पता नहीं है कौन सा है, स्ट्रिप वाइट स्ट्रिप में था और ऐसा कोई टॉप मेरे पास था भी नहीं। एंड इनफैक्ट मेरे पास टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा कुछ बचे नहीं हैं तो मैंने ज़्यादातर टी शर्ट्स एंड टैंक टॉप ही उठाए हैं। तो मैंने मीडियम में लिया कि थोड़ा बड़ा लूँगी तो थोड़ा चलेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा, तो ये समर के लिए मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा है। सेकेंड मैंने ये ग्रीन कलर का लिया है, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, इनफैक्ट ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो ग्रीन कलर तो मुझे चाहिए था, एक बार मैं ये भी पसंद कर लिया। और ये मुझे पड़ा है 499 रुपीज़ का एंड इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज़, ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है। तो सबसे पहले तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड समर टाइप का लग रहा है। इस टॉप की खास बात ये है कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, जितना स्ट्रेच कर सको पूरा स्ट्रेचेबल है, काफ़ी अच्छा है। आगे बटन्स दी हुई हैं एंड वी नेक गला है, मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा था, ग्रीन कलर था भी नहीं तो इस वजह से मैंने ये ले लिया। सो ट्रेंड से मैंने ये चार चीज़ें ही ली। सो अब दिखाने वाली हूँ मैंने H&M से क्या लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी H&M जाने के लिए, बहुत दिन से मूड में था H&M एंड फाइनली ले लिया है। और सबसे बुरी आदत मेरी क्या रहती है, कुछ मूड बना के जाऊँगी कुछ और उठा के लाऊँगी, ये आप लोग के साथ भी होता है क्या कमेंट में बता देना, मेरे साथ तो हमेशा होता है, चाहे मैं ट्रेंड चली जाऊँ चाहे मैं कहीं पर भी चली जाऊँ किसी भी शोरूम में, मूड कुछ और रहेगा उठा कुछ और लूँगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया ये क्यूट से मोज़े, मतलब H&M जाके मैं सॉक्स खरीद रही हूँ लाइक सीरियसली, बट मुझे क्यूट लगे तो इस वजह से मैंने ले लिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गर्मियों में काफ़ी यूज़फुल भी रहेंगे तो ये मोज़े ले लिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, ब्लैक, ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक मैं लूँ ही ना ऐसा हो ही नहीं सकता है चाहे गर्मी ही क्यों ना हो। आई नो गर्मी में अवॉइड किया जाता है ब्लैक कपड़ा पहनने से, बट मैं तब भी पहनती हूँ, मुझे पसंद है। ये मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट ली हुई है, कपड़ों में कंफर्ट ज़्यादा देखती हूँ बजाय स्टाइल के, क्योंकि मेरे लिए कपड़ा होना चाहिए एक कंफर्टेबल, कि अगर मैं बाहर निकल भी रही हूँ पहन के तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात कॉटन मटेरियल है, लाइक 100% कॉटन है, इसे मैं आराम से स्कर्ट पे पहन सकती हूँ, अभी तो समर चल रहे हैं, और जीन्स पे आराम से वेयर कर सकती हूँ। और मैंने आपको बताया मेरे पास अभी टॉप या टी शर्ट्स वगैरह अभी कुछ बचे नहीं है तो मेरे को शॉपिंग करनी थी, तो ये मैंने लिया है एक ब्लैक कलर का टी शर्ट, इसमें आगे कॉलर दिया हुआ है तो ये कॉलर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है, एकदम कोरियन वाली वाइब आ रही है। तो साइज़ मैंने लिया है मीडियम साइज़ में, क्योंकि इस वजह से मैंने मीडियम साइज़ में लिया है, वैसे मुझे स्मॉल साइज़ होता है बट अब मैं मीडियम पर आ गई हूँ तो मीडियम लिया है। प्राइस है 699 लाइक 700। नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट सा कलर है, ब्लू कलर का टैंक टॉप, काफ़ी अच्छा इसका वाइब्रेंट कलर है, इस कलर में भी मेरे पास कोई टॉप नहीं था तो ऐसा मैंने पिक किया, जो मेरे पास नहीं था वो मैंने लिया है। एंड ये टैंक टॉप काफ़ी क्यूट लग रहा है, जीन्स पे स्टाइलिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, इनफैक्ट स्ट्रेचेबल भी काफ़ी है। इसे भी मैंने मीडियम साइज़ में ही लिया है एंड मैंने ट्राई करके भी देखा था तो साइज़ तो मेरा परफेक्ट है एंड ये भी मुझे पड़ा है 799 रुपीज़ का। तो H&M के मेरे पास इस टाइप के टॉप नहीं थे तो मैंने ये टैंक टॉप ले लिया है। तो लास्ट प्रोडक्ट है ये फॉर्मल पैंट्स, जो कि है टेलर्ड पैंट, एकदम फिटेड टाइप की है। मैंने ब्लैक कलर का एक फॉर्मल पैंट लिया था, मेरे पास फॉर्मल पैंट्स नहीं थे। H&M के ट्राउजर्स ले लो या फॉर्मल पैंट्स ले लो, उनकी फिटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है, तो इसकी भी मुझे फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फॉर्मल लिया था कि कहीं भी मैं फॉर्मल्स अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं पहन सकूँगी, लाइक शर्ट पे या टॉप पे, काफ़ी अच्छा लुक आता है, ऑफिस के लिए कॉलेज के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है। एंड ब्लैक तो आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इस वजह से लिया था। तो
क्वालिटी की बात करूँ, इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैब्रिक इसका सी थ्रू नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है कि इसका फैब्रिक सी थ्रू नहीं है। इस बता दूँ ये प्राइस पड़ा है मुझे 1499 रुपीज़ का, मतलब 1500 रुपये रख लो। इनके पैंट्स तो मैंने पहले भी ट्राई किया है तो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो H&M के लिंक जो मैंने शॉपिंग किया है वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।